हालेलुया यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के फजल से इस वक्त आइज़क टीवी की टीम जो है वो ज़िला खानेवाल के अंदर मौजूद है। न्याजी अड्डा पर हम पहुँचे हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। लाहौर से सुबह से हम चले हैं और इस वक्त खानेवाल पहुँच चुके हैं और 3 दिन तक हमारा इन इलाकों के अंदर क्याम होगा, जिनमें मियाँ चन्नू के अंदर गांव है वहाँ पर जाएंगे, शहर जहानिया के अंदर और मुल्तान सिटी के अंदर। मेरे अज़ीज़ो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आइज़क टीवी के लिए सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उसके 3rd दिन से आइज़क टीवी की टीम ने चर्च से राशन की तकसीम का काम शुरू किया और खुदा का शुक्र अदा करते कि अभी तक जारी है। इस वक्त खुदा के खादम पास्टर शबाज डेवर साहब हमारे साथ मौजूद है खानेवाल से मियाँ चन्नू से, इसी तरह पास्टर मूसा मेरे साथ हैं, पास्टर यूसुफ गुलाम साहब लाहौर से हमारे साथ आए हैं, इसी तरह मेरे भाई नासर हैं और पीछे हमारी सारी टीम है, पास्टर खालिद साहब, मिसेस शौकत फजल और इसी तरह सारे खादमी डॉक्टर नौश प्याज साहब और इसी तरह पास्टर इमरान बरकत साहब और मेजर सलीम साहब। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त पास्टर शबाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी लाइव इस वक्त देख रहे हैं कि टीम देखे फजल साहब की रहनमाई के अंदर खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि दिनों जान से काम कर रही है और इन इलाकों के अंदर राशन तकसीम करने के लिए आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आइज़क टीवी के लिए सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए? खुदा यीशु के अजीम जलाली बबरकत नाम में चेयरमैन इंटरनल एडमिनिस्ट्री पास्टर फजल को सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि खुदा ने आइज़क टीवी टीम को, पास्टर अनवर फजल को, मिसेस अनवर फजल को, कि वो मुस्तहिक लोगों को जो इस वक्त बड़े परेशान हैं, मायूस हैं लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से, और इस सारी टीम का और आइज़क टीवी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जो घर घर जाकर मुस्तहिक लोगों को फूड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ताकि और ज़्यादा वो खुशहाली बहाली में ज़िंदगी गुजार सके और आने वाले दिनों में आगे और ज़्यादा। खुदा बाप के कि जिसने आइज़क टीवी चैनल की टीम को यहाँ पर भेजा है ताकि वो घर घर जाकर राशन दे सके। थैंक यू पास्टर शबाज साहब। पास्टर यूसुफ साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है कि सारी टीम हम सुबह से निकले हैं और इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं? खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत देखने वालों को सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी हमेशा इंसान के साथ रहती है। सो आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए, मेरी बहन सिस्टर निदा के लिए, कि जिन्होंने अच्छा जाना कि इन पसमांदा इलाकों में जहां जहां पर कोरोना वायरस की वजह से लोग लॉकडाउन हुए हुए हैं उनको खुराक की ज़रूरत है। सो हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर जो काम हो रहा है इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं हम करते, बल्कि इन सारी बातों के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमारे सीनियर खादम पास्टर अनवर फजल साहब और सूरमा खादम पास्टर शौकत फजल और सिस्टर बिनिश सिस्टर निदा इनको ये अथॉरिटी दी, इनके इख्तियार के अंदर ये सब कुछ किया कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अंदर कोई छोटे मोटे शहर नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी कम्यूनिटीज़ हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने मसीही एक कला बनाया है जो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भरपूर तरीके से सपोर्ट बन सके, और ना सिर्फ लॉकडाउन के दिनों में बल्कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर हम देखते हैं कि आज लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इन सारी चीज़ों के हमारी मिनिस्ट्री इटर्नल लाइफ चर्च हर इंसान के, हर मसीही के, हर कौम के शाना बशाना सपोर्टिंग के लिए, राशन के लिए साथ साथ खड़ी है, और हम अपनी सारी टीम का और ख़ास तौर पर पास्टर शौकत फजल सिस्टर बिनिश और सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जो सारे पाकिस्तान के मसीही लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू पास्टर मूसा, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे में कोई शक नहीं जितनी भी बातें की गई हैं कि यह मोहब्बत, यह प्यार किस लॉकडाउन के अंदर पहुँचाया जाए, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने
बड़े भाई के लिए सीनियर पास्टर फजल साहब के लिए कि जिन्होंने साउथ पंजाब के लिए अपनी टीम